तो यार स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पेटी इन्फोटेक पर। आज के वीडियो में मैं लूट बताने वाला हूँ, मतलब जिससे आपको बहुत सारा फायदा होने वाला, मतलब इसका एक गेम का अनलिमिटेड ट्रिक बताने वाला, अनलिमिटेड कॉइन ट्रिक बताने वाला हूँ एंड लाइव पेमेंट प्रूफ, रिडीम प्रूफ भी दिखाने वाला। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना तो बनता है, लेकिन लूट के बारे में बताने से पहले अगर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लिए पेटी इन्फोटेक, या तो उसका ज्वाइन नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सिंपल क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, या तो ज्वाइन कर लेना है, किसी तरह ज्वाइन करना है कर लो, पेटी इन्फोटेक सर्च कर लो, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, छोटे मोटे बड़े छोटे सभी लूट जो यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो बात करते हैं अब लूट के बारे में। तो लूट सिंपली कहाँ से, लूट सिंपल सा है मैश प्रो ऐप की तरफ से, सिंपल सा इसका डाउनलोड लिंक जिसमें डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब यहाँ पर ये दूसरा ऐप है, दूसरा ऐप का जरूरत पड़ेगा जब, मतलब कि अगर आपका एमआई का फोन है, रेडमी का फोन है, तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, और रेडमी का फोन नहीं, अदर फोन है जिसमें स्प्लिट स्क्रीन नहीं होता है, तब जो इसका जरूरत पड़ेगा, या अगर होता है कि स्प्लिट स्क्रीन आप कर पाते हो, ठीक है। सिंपल से ये दोनों ऐप का जो डाउनलोड मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब सिंपल से पहले मैश प्रो को ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद देखिए आपको थोड़ा सा ओपन लेगा, प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पर इस टाइप का जो आपका ऑप्शन ओपन है, आपको जो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, नेक्स्ट पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, वेट करने में आपका देखिए किस टाइप का इंटरफेस, इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। आपको एग्री पर क्लिक करना है एंड एग्री करने के बाद आपका जो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा एंड फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको जैसे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको करना क्या, कनेक्ट गूगल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो गूगल अकाउंट लोडिंग हो जाएगा एंड उसके बाद किसी गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर देखिए मेरा थोड़ा लोडिंग ले रहा है, यहाँ पर उसके बाद लॉग इन कर देने वाला, जैसे कि इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाने वाला है। आपको अपना यहाँ पर अपना जो नेम इंटर करना है, मैं सिंपल सा जो अपना नेम इंटर कर देता हूँ। नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे अपना पेटीएम नंबर इंटर कर देना है, पेटीएम नंबर जो इंटर कर देना है। पेटीएम नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई रेफर पर आप क्लिक करो, यहाँ पर अप्लाई नहीं लेगा आपका, देखिए अभी लॉक है, 5000 कॉइन करोगे तब। जो सिंपल से जो डन पर क्लिक करता हूँ, डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका इस टाइप का पूरा सेम टू सेम इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जैसे आप प्रोफाइल पर अगर क्लिक करते हो, यहाँ पर प्रोफाइल पर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए 1000 कॉइन है। अब इसका अनलिमिटेड हैक ट्रिक का बात करते हैं। सिंपल से अगर आप यहाँ पर माई प्रोफाइल पर क्लिक करके रेफर को इंटर कर सकते हो, अगर आपको इंटर करना है तो सिंपल यहाँ पर देखिए माई प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए अप्लाई रेफर कोड का अभी तक ऑप्शन है, अगर 5000 कॉइन आपका हो जाता है तो यहाँ पर रेफर कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाने वाला। सिंपल आपका 5000 कॉइन कैसे करना है, लिमिटेड ट्रिक बताने वाला पूरा, इंस्टेंट के इंस्टेंट आप मतलब 5000 कॉइन कर पाओगे। विड्रॉ करने का लिमिट है 20000 कॉइन, तो 20000 कॉइन भी तुरंत मतलब 2 से 3 मिनट में कर लेने वाले हो एंड 20 रुपये इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको मिलने वाला, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो लाइव मेरा 1000 कॉइन है। अब जाता हूँ सिंपल से यहाँ पर होम, यहाँ पर देखिए होम का ऑप्शन है, सिंपल से होम पर जाता हूँ। होम पर जाने के बाद यहाँ पर कोई भी गेम आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कोई भी गेम सेलेक्ट कर लेना है। उससे पहले यहाँ पर देखिए कोई भी, जैसे मैं एक गेम सेलेक्ट कर, जैसे फॉलिंग डॉट्स, ये गेम जो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर सिर्फ प्ले पर क्लिक करना है एंड ओके पर जो क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि टाइम बर्बाद करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, मैं इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको दिलाने वाला हूँ। सिंपल देखिए थोड़ा लोडिंग ले रहा है एंड यहाँ पर देखिए 3 सेकंड 4 सेकंड यहाँ पर टाइमिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपल से यहाँ पर चलिए ठीक है, अब क्या करना है आपको सो बताता हूँ। स्प्लिट स्क्रीन इसको जो डाउनलोड नहीं किया हो सिंपल से कर लेना, उसके बाद क्या करना है सो बताता हूँ। सिंपल सा मतलब अगर आपका स्प्लिट स्क्रीन होता है ठीक, और नहीं होता सिंपल से इसको देखिए इनेबल का ऑप्शन इनेबल करना है, एंड्रॉइड सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इसको जो इनेबल कर देना है, मोर डाउनलोडेड स्क्रीन, यहाँ पर जो स्प्लिट स्क्रीन है इसको जो इनेबल कर देना, आपका जहाँ पर होगा एसेसिबिलिटी में ही होगा। सिंपल से जो उसमें बैक मेरा ऐप बैक हो गया, सिंपल से ये इनेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, सो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस वाला जो है इसको सिंपली जो बैक वाला बटन पर ऑन कर देना है, बैक वाला बटन पर ऑन कर देना है। इसे मैं बैक वाले बटन पर ऑन कर देता हूँ। अब जो जाता हूँ यहाँ पर जो मैश प्रो ऐप पर, यहाँ पर जाने के बाद देखिए मेरा टाइमिंग जो चल रहा है थोड़ा एड आ गया, आपको बैक कर देना है। यहाँ पर इस टाइप का हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने बैक वाला बटन को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया था बैक वाले बटन को, सिंपल से उसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ। लॉन्ग प्रेस करने के बाद देखिए स्पीड स्क्रीन इस टाइप का आ गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या कौन सा आपको ऐप सेलेक्ट करना सो बताता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा सेटिंग ऐप को सेलेक्ट करना है, जैसे सेटिंग ऐप को सेलेक्ट करना है, देखिए सेटिंग मेरा खुल चुका है एंड यहाँ पर मैच वाला जो एप्लीकेशन खुल चुका है। सिंपल सा इसको जो मैं बैक कर लेता हूँ एक बार मैच एप्लीकेशन को, एग्जिट मार देता हूँ, ठीक है, एग्जिट मार देता हूँ। उसके बाद मेरा क्या इंटरफेस ओपन हुआ देख सकते हो आप लाइव, तो यहाँ पर जो थोड़ा एड आया उसके बाद बैक हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो गेम प्ले मेरा मतलब नहीं हुआ, आपको भी सिंपल से कर लेना है, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन कर लेना है। स्प्लिट स्क्रीन में थोड़ा देखिए वर्किंग नहीं है, थोड़ा मतलब कि काम नहीं कर रहा कहीं पर टच, ठीक है। सिंपल से आपको बैक करना है, जहाँ जो करना है कर सकते हो सिंपल से, ठीक है। इस टाइप का ऑप्शन का हो गया। यहाँ पर देखिए प्ले का ऑप्शन मिलता है, 70 कॉइन मिलेगा पर 3 मिनट पर। यहाँ पर जो नीचे आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में देखिए सेटिंग में जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, यानी आपको एडिशनल सेटिंग पर जाना है, जहाँ पर डेट एंड टाइम वाला आपका ऑप्शन है। डेट एंड टाइम पर मैं जाता हूँ एंड यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम जो है इसको जो ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैं प्ले पर क्लिक करता हूँ। प्ले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, मेरा गेम लोडिंग लेगा एंड ओपन हो जाने वाला। उसके बाद क्या करना है आपको सो बताता हूँ। यहाँ पर टाइमिंग चलेगा एंड टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर आपको जो थोड़ा लेट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा देर तक गेम प्ले करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल, मतलब कि 1200 कॉइन अनलिमिटेड टाइम जो उसमें लेने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हो गेम मेरा प्ले हो रहा है एंड यहाँ पर टाइमिंग वाला जो ये ऑप्शन आना चाहिए आपका कट वाला, ठीक है यहाँ पर आ चुका है। अब जो यहाँ पर क्या करता हूँ टाइम को यहाँ पर देखिए टाइम मेरा भी 5:23 हो रहा है, यहाँ पर सिंपल क्लिक करता हूँ एंड ये घंटे का जो टाइम को जो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मतलब बढ़ा देता हूँ मतलब 8 घंटे मान लीजिए 8 बजे बजा देता हूँ, मतलब 5 बजे से 8 बजे देता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ। अब जो जब मैं कट पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो 1200 कॉइन यहाँ पर हो जाए, जैसे कि 1260 कॉइन मैंने अर्न कर लिया, मैं कट पर क्लिक करता हूँ एंड एग्जिट पर क्लिक करता हूँ, मतलब 1260 कॉइन मेरा तुरंत का तुरंत अर्निंग हो गया। मैं बैकर के आपको बैलेंस भी चेक कराई देता हूँ, सिंपल प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरा 2200 कॉइन हो चुका है, मतलब मेरा 1000 कॉइन था 2200 कॉइन डायरेक्ट हो चुका है। फिर से इसी टाइप का आपको करना है सिंपल सा, फिर से मैं इसी गेम को ओपन कर लेता हूँ बॉल वाले गेम को, यहाँ पर फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हो मेरा टाइमिंग जो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है फिर से ऑटोमेटिक टाइम जोन जो है उसको ऑफ कर देना है, ऑफ करने के बाद फिर से टाइम को जो मैं 5 बजे से मान लीजिए 9 बजाता हूँ, ठीक है इस बार 9 बजा देता हूँ, उसके बाद ओके पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर से जो कट पर क्लिक करता हूँ, कट पर क्लिक में देखिए 1260 कॉइन हो चुका है, मैं एग्जिट कर देता हूँ। इसलिए आपको करना है लाइव फिर से प्रोसेस करना है, फिर से टाइम जोन को जो फिर से इनेबल कर देना है, इस टाइम जोन को बार बार इनेबल करना है, नहीं तो आपको नहीं होगा प्रोसेस, फिर से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ऑटोमेटिक वाले को इनेबल करने के बाद फिर से आपको प्ले पर क्लिक करना है, प्ले पर क्लिक करने के बाद फिर से ओके पर क्लिक करना है, फिर से आपको लोडिंग देखिए सेकंड चलने लगा है, फिर से इसको जो बंद कर देना, बंद करने पर टाइम को जो फिर से जैसे मैं 9 की जगह पर 10 बजा देता हूँ, 10 बजाने पर फिर से जो कट पर जो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कट पर क्लिक करना देखिए 1260 फिर से हो चुका है, फिर से एग्जिट पर क्लिक करता हूँ। जो आपको फिर से करना है फिर से ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को ऑन करना है, फिर से जो मतलब कि प्ले पर क्लिक करना है, प्ले पर क्लिक ओके पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फिर से देखिए टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, मैं इसे बंद कर देता हूँ और टाइम को जो मान लीजिए 10 ही बजा देता हूँ, ठीक है ओके पर क्लिक करता हूँ, फिर जो कट पर क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा 1260 कॉइन फिर से हो चुका है, फिर से एग्जिट पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर आपको लाइव जैसे जितने बार कर सकते हो, फिर से जैसे मान लीजिए इसको ऑन करता हूँ ऑटोमेटिक टाइम जोन को, अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हो तो आपको फिर से ऐप को हटा के फिर से जितना जिस तरह मैंने सेटिंग किया यहाँ पर क्लियरेंस करके सब भी आपको करना पड़ेगा। सिंपल से देखिए फिर से बंद करता हूँ इसे, मतलब बंद करता हूँ प्ले पर जो क्लिक करता हूँ, प्ले पर क्लिक करने के बाद टाइम जोन को जो ऑफ करता हूँ, देखिए टाइमिंग चलने लगा, टाइम जोन को ऑफ कर देता हूँ मतलब ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को, फिर से सेट टाइम पर जाता हूँ, फिर से जो इसे 10-11 कुछ बजा देता हूँ, बजाने के बाद फिर से ओके पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद कट पर क्लिक करता हूँ, देखिए 1260 कॉइन हो चुका है, फिर से एग्जिट पर क्लिक करता हूँ। इसे पर आपको लाइव जैट जितना बार करना कर सकते हो, फिर से मैं टाइम जोन को जो ऑटोमेटिक ऑन कर देता हूँ। अब जो बैक करके आपको बैलेंस चेक कराता हूँ, मैं सिंपल सा बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद देखिए यहाँ पर बैक नहीं हो रहा, सिंपल सा क्या करना है स्क्रीन को जो पूरा फुल कर देना है, उधर खींचोगे आप यहाँ पर नीचे से बीच वाली जगह से, यहाँ से जब खींचोगे तो यहाँ पर हो जाएगा फुल, आपको यहाँ से खींचना है फुल हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर देखिए एड आया, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए अब बैक कर लेता हूँ, बैक करने के बाद ये मेरा जो होम पेज ओपन हो चुका है, मतलब गेम का जो मेरा है। अब यहाँ पर जाना प्रोफाइल पर, प्रोफाइल पर जाने के बाद देखिए मेरा कॉइन कितना हो चुका है पर 7300 कॉइन, मतलब मैं जो रेफर कोड अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर जाना आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल पर, प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पर रेफर कोड वाला पर जब यहाँ पर टिक करोगे, जैसे टिक करोगे यहाँ पर देखिए रेफर कोड इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर रेफर कोड आप क्या इंटर करना है सिंपल देख लीजिए 2FTNWW, मतलब 2F फिर छोटा F, बड़ा T, बड़ा N, बड़ा W फिर छोटा W, उसके बाद डन पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद देखिए यहाँ पर जो 1500 कॉइन मेरा बढ़ जाएगा, मैं एक बार होम पर क्लिक करता हूँ, फिर से प्रोफाइल पर जाता हूँ, मेरा 1500 कॉइन अपडेट लेकर देखिए 1800 कॉइन हो चुका है। फिर आपको करना क्या, फिर से इसी प्रोसेस करते करते यहाँ पर जो पूरा जो 20,000 कॉइन कर लेना, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर देखिए रिडीम का ऑप्शन है, रिडीम पर जब क्लिक करोगे यहाँ पर पेटीएम में सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए मिनिमम विड्रॉवल कॉइन कितना है 20,000 कॉइन, तो 20,000 कॉइन तो करना पड़ेगा ना, तो इसी प्रोसेस से 20,000 कॉइन पूरा जो उसमें कर लेता हूँ। जैसे फिर फोन रोड पर क्लिक करता हूँ, कोई गेम को सेलेक्ट करना है, फिर से उसी ट्रिक को जो इनेबल करना है आपको, नहीं हो तो 2-3 बार ट्राई करो यार स्प्लिट स्क्रीन करके ट्राई करो, या तो अगर आपका स्प्लिट स्क्रीन ऐप से नहीं हो रहा है तो सिंपल से किसी का मोबाइल ले लो, किसी फ्रेंड का MI का मोबाइल, उसमें जो ट्राई कर लो, तो मैं जो पूरा 20,000 कॉइन कर लेता हूँ। जैसे प्रोफाइल में देख सकते हो कि मेरा अभी 1800 कॉइन है, मैं 20,000 कॉइन कंप्लीट कर लेता हूँ। तो बूम गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मेरा 20,000 कॉइन जो उस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर रिडीम के ऑप्शन पर, रिडीम के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर पेटीएम को सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, आपको जो यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ, यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब मैं 20,000 ही मान लीजिए डालता हूँ, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर 20,000 है, तो मैं 20,000 सिंपल से जो एंटर कर देता हूँ, 20,000 इंटर कर दिया, जैसे 20,000 इंटर कर दिया, ठीक है। अब जो क्या करना है आपको रिडीम पर क्लिक करना है, पैसा आपको बताता हूँ क्या करना है, 24 से 48 घंटे के अंदर आएगा, तुरंत इंस्टेंट का इंस्टेंट नहीं आएगा, ये तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, 24 से 48 घंटे के अंदर आएगा। मैं रिडीम पर जो सिंपल से क्लिक करता हूँ, जो पेटीएम नंबर आपने डाला था उस पर जो आ जाएगा, सिंपल से मैं अपना नंबर जो इंटर करता हूँ, नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, उसका OTP भेजा जाएगा, OTP पर आपको जो है इंटर कर देना है। देखिए OTP मेरा ऑटोमेटिक इंटर हो चुका है, जो मेरा वेरीफाई हो चुका है। मैं जो रिडीम पर क्लिक करता हूँ, फिर से पेटीएम पर जाता हूँ, पेटीएम पर जाने के बाद अब जो यहाँ पर ओके पर यहाँ पर 20,000 कॉइन जो इंटर करता हूँ, 20,000 कॉइन इंटर कर देता हूँ एंड फिर जो रिडीम पर जो क्लिक करता हूँ, रिडीम यहाँ पर देखिए रिडीम हो चुका है सिंपल सा, ठीक है। अब 24 से 48 घंटे के अंदर मेरा पैसा जो आ जाएगा। अब सिंपल सा जब मैं प्रोफाइल पर जाऊँगा तो यहाँ पर मेरा कॉइन करके देखिए 140 कॉइन बच चुका है। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर जाऊँगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा पूरा ट्रांजेक्शन दिखा गया, 20,000 कॉइन का भी जो पेंडिंग है, 24 से 48 घंटे के अंदर ये पैसा जो आपको दे देगा एंड जितना बार आप कर सकते हो आराम से
कर लो बीजर कॉइन का। अरे नहीं देगा आपको पैसा क्या लगा, थोड़ा सा सिर्फ मेहनत लगा, मतलब 5 मिनट में आप बीजर कॉइन कर लो क्या आपका जा रहा है, मतलब 2 से 3 मिनट में बीजर कॉइन कर लो आपको क्या जा रहा है, बार बार आपको करना है। और अगर आपको गेम जो जहाँ पर जैसे मान लीजिए करोगे आप जब स्प्लिट टेस्ट में, कभी कभी जो वर्क नहीं करने लगा वो जो एड आता है समझे, तो स्प्लिट टेस्ट में एड शो नहीं कर पाता है, सिंपल आपको क्या करना है स्प्लिट टेस्ट पूरा फुल कर देना, उसको एक बार दो बार बैक कर लेना, बैक करने के बाद फिर से ओपन कर लेना एंड फिर से जो स्प्लिट टेस्ट में प्रोसेस को दोहरा लेना, सिंपल आपको काम कर जाने वाला है। इसी प्रकार जो 20,000 कॉइन बार बार करो बार बार रिडीम करो, जैसे मैंने आपको दिखा दिया टांस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो 20,000 कॉइन मेरा पेंडिंग में, बाकी यार कितना मस्त अर्निंग, हर 2 मिनट में मतलब 20,000 कॉइन का वैल्यू होता है 20 रुपये, तो 20 रुपये का आराम से इंस्टेंट अर्निंग हो रहा है ना यार, तो इतना मस्त फायदा कौन देगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है, लाइक भी करना बनता है एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी करना बनता है। टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे मतलब छोटे मोटे बड़े छोटे सभी लूट जो आपको मिलते रहते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो यार। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।